हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। डीआरडीओ के लिए जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये हमारा पार्ट 14 रहेगा। पार्ट 13 तक मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और चैनल के ऊपर अपलोड भी कर दिए हैं। अब तक टोटल हमने 130 क्वेश्चन कर लिए और ये आपको भी पता है कि क्वेश्चन नंबर के हिसाब से हमने 130 क्वेश्चन किए हैं। हर एक ऑप्शन मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसके हिसाब से अब तक आपके 400-500 क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो गए हैं और आप लोगों को याद भी हो गए हैं। आप लोग खुद जज कर सकते हो कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन याद हैं। संडे की संडे मैं टेस्ट भी लेती हूँ। 2000 बच्चों ने नियर अबाउट टेस्ट दिए हैं और का स्कोर अच्छा है। इस बार का आपका टारगेट ये होना चाहिए, पार्ट 13 से लेके 13 हो गया, आज 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सैटरडे तक कवर करेंगे और संडे को फिर से हमारा टेस्ट होगा। संडे को जब टेस्ट होगा उसके अंदर आपका स्कोर 60 में से 60 रहना चाहिए। जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ मैं वो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका रिप्लाई जरूर किया करो। हमारा टारगेट ये है कि डीआरडीओ में हमारा सिलेक्शन हो। ओके, हम इस टारगेट के साथ चलेंगे कि हमारी मैक्सिमम चीजें कवर हो। वैसे जीके अनलिमिटेड है, जीके का कोई एंड नहीं है। हाँ, मैथ में जितना कराया है उसी में से आएगा, रीजनिंग में जो कराया जा रहा है उसी में से आएगा। यानी मैथ और रीजनिंग टोटल 70 नंबर की आएगी। वहां पे इस बात की पूरी पूरी गारंटी रहती है कि जो आपको कराया जा रहा है एग्जैक्ट आपको वही मिलेगा। यानी वहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है और किसी चैनल से आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीके क्या होता है, जीके अनलिमिटेड है। जितना मैं करवा रही हूँ उतना तो आपको पढ़ना है। उसके अलावा जहाँ से भी आपको जीके मिले आप लोग जीके पढ़ा करो, ठीक है? क्योंकि जीके अनलिमिटेड है। ये नहीं है कि आपको कि 10 क्वेश्चन आपने कर लिए और आपकी जीके होगी। मैंने आपको बताया है कि लूसेंट की बुक लीजिए और लूसेंट की बुक में से जीके पढ़ना शुरू करो। धीरे धीरे आप लोगों का फ्लो बन जाएगा। रेगुलर वीडियो सुनो, आपकी जीके कवर हो जाएगी, ठीक है? और करंट अफेयर पढ़ने की हैबिट जरूर बनाओ। करंट अफेयर में से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे तो करंट अफेयर जरूर पढ़ना। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर है? आंसर आ जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। अब इसको आप याद भी कर सकते हो, ठीक है? वैसे तो जो ट्रिक होती है ना वो कोई लॉजिकल नहीं होती, इन लॉजिकल होती है, बस याद कराने का तरीका होता है। अब यहाँ पे आप याद कर सकते हो, मान लो जो सरदार होते हैं, उनका स्वभाव जो होता है काफी नरम होता है, ठीक है? वहां से याद कर सकते हो कि सरदार का स्वभाव काफी नरम होता है, तो नर्मदा नदी के किनारे है सरदार सरोवर परियोजना। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड लिटरेसी डे कब आता है? हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन लिए हैं, चारों से दो क्वेश्चन एडिशनल आपको मिलेंगे। एक हमारा क्वेश्चन है ही और एक पीछे वाला रिवाइज हो जाएगा। वर्ल्ड लिटरेसी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाते हैं? ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। क्या 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आता है? तो आपका आंसर होगा नहीं आता, क्योंकि हमने कर रखा है। 24 जनवरी को क्या आता है? हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल हम मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम 24 जनवरी को, ये आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद 5 सितंबर को, क्या 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आता है? तो इसमें भी आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं आता, क्योंकि 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? टीचर डे मनाते हैं, ठीक है? टीचर डे हम किसकी याद में मनाते हैं? तो किसकी याद में मनाते हैं? हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर पूछे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मेरा टारगेट वो स्टूडेंट्स नहीं है जिनको जीके ऑलरेडी आती है, मेरा टारगेट वही स्टूडेंट है जो बिल्कुल बेसिक से चैनल पे कर रहे हैं। मैथ भी उन्हीं के हिसाब से कराया जा रहा है, रीजनिंग भी और जीके भी, ठीक है? मैं उनके हिसाब से ये सोच के कराती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है और सारा कुछ मुझे बताना है, ठीक है? तो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हीं के जन्म दिवस वाले दिन यानी 5 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय टीचर डे, ठीक है? नेशनल टीचर डे। अब नेशनल टीचर डे अगर आता है तो पेपर में कई बार इंटरनेशनल टीचर डे भी पूछ लेते हैं, तो इंटरनेशनल टीचर डे पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को हर साल हम इंटरनेशनल टीचर डे मनाते हैं। ओके, उसके बाद है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 14 सितंबर को हर साल मनाते हैं हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे नेशनल हिंदी डे कब आता है तो 14 सितंबर को आता है। ओके, उसके बाद हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो वो कब आता है, 8 सितंबर को। ओके, तो यहां से आपको याद क्या रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आता है, 14 सितंबर को। राष्ट्रीय टीचर डे कब आता है, 5 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब आता है, तो 8 सितंबर को आता है। ओके, चार तो ये याद हो जानी चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को क्या आता है, विश्व एड्स दिवस आता है। पहले मैंने आपको रिवाइज कराया हुआ है। उसके बाद पता होना चाहिए आपको 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस। तो 1 दिसंबर और 10 दिसंबर आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा जो ये चार क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये भी याद होने चाहिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन तो मैं 10 ही लेके आती हूँ, लेकिन आपको एडिशनल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करती हूँ, और मेरा टारगेट रहता है कि आपको मैक्सिमम चीजें मैं याद करा पाऊँ। ओके, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना। जनवरी में हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे होने चाहिए, तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट के अंदर लिख देना, कोई टॉपिक समझना आए, कोई क्वेश्चन समझना आए तो भी नीचे कमेंट में लिख सकते हो। ओके, लेकिन सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लाना पॉसिबल नहीं है। कई बच्चे नीचे लिखते हैं कि मैडम क्वेश्चन इंग्लिश में लेके आओ, तो भी क्वेश्चन इंग्लिश में लिखना पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की होती है। मैं कुछ एक वर्ड्स इंग्लिश में लेके आ सकती हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लेके नहीं आ सकती अभी। ठीक है, टाइम के साथ साथ जैसे हमारे पास टीम आएगी, टाइम के साथ साथ हम रखेंगे एडिटर वगैरह रखेंगे, तो हम आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग दोनों लैंग्वेज में कराया जा रहा है, लेकिन जीके कुछ एक वर्ड मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन सारे वर्ड मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकती। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा संघ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। हम भारतीय संविधान के चैप्टर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में आना चाहिए, हमारा संविधान बना कब था। तो अभी तक हमने कई बार कर लिया, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। ओके, उसी दिन को यानी 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, या फिर विधि दिवस मनाते हैं, या फिर कानून दिवस मनाते हैं, या फिर नेशनल लॉ डे। ठीक है, चारों में से कुछ भी आए तो आपने आंसर क्या देना है, 26 नवंबर। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लागू हो गया था। ओके, उसके बाद जब हमारा संविधान बना था तो संविधान में टोटल कितने चैप्टर थे, 22 चैप्टर थे। ओके, वर्तमान में देखो जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, एरिया इंक्रीज होता है या पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, वैसे वैसे क्या होता है, संविधान में कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, अब पहले 22 भाग थे, टाइम के अनुसार चेंजेस किए, तो वर्तमान में टोटल कितने चैप्टर है, 25 चैप्टर है। 25 चैप्टर में से मैंने आपको बताया था कि आपको याद होना चाहिए, हम सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। भाग नंबर एक में किसका उल्लेख है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत और उसके जितने राज्य हैं सबके नाम किस में लिखे गए हैं, भाग नंबर एक में। अब राज्यों में कौन रहते हैं, नागरिक रहते हैं, तो भाग नंबर दो में किसका वर्णन है, नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप का वर्णन है चैप्टर नंबर टू में, पूरा चैप्टर नंबर टू नागरिकता का उल्लेख करता है। पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर में ड्यूअल सिटीजनशिप थी, यानी कि दोहरी नागरिकता थी, लेकिन धारा 370 हटाने के बाद पूरे भारत में एकल नागरिकता है। ओके, यानी सोयल सिटीजनशिप है। ओके, भाग नंबर तीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसका उल्लेख है चैप्टर नंबर थर्ड में, मौलिक अधिकार। हम सबका अधिकार है, मुझे पढ़ाने का अधिकार है, आपको पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, हम कोई भी काम कर सकते हैं, यानी कि हमें ग्रुप बनाने का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किस में है, भाग नंबर तीन में। भाग नंबर चार मैंने आपको कराया था, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, और चार क्या है, हमने कल वाली वीडियो में किया था, चार क्या बाद में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 1976 में। संशोधन कौन सा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। चार कै में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और भाग नंबर पांच में किसका उल्लेख है, संघ का। जिस संघ का ऊपर वर्णन है ना, उसी के बारे में डिटेल में बताया गया है भाग नंबर पांच में। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो अब तक हमने 5 चैप्टर कर लिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताना क्या आपको ये 500 के 500 चैप्टर याद हुए, क्योंकि 2 या 3 दिन से मैं लगातार एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ,
अगर आपको याद हुए हैं तो नीचे कमेंट में लिखना, ठीक है? क्योंकि इतनी एक्सप्लेनेशन देने का फायदा तभी होता है जब आप लोग ये बोलोगे कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है? कमेंट जरूर करना कि आपको ये याद हुआ है या नहीं हुआ। कल हम अलग चैप्टर करेंगे तो पीछे वाले ये सारे चैप्टर आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर तो आ जाना चाहिए, कल की वीडियो में मैंने बताया भी था। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है हमारी भूरी क्रांति, ठीक है? रजत क्रांति किससे रिलेटेड थी? अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन से रिलेटेड थी हमारी रजत क्रांति। और कृष्ण क्रांति किससे रिलेटेड थी? बायोडीजल उत्पादन, ठीक है? तीनों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तब आपका आंसर क्या बनेगा? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ओके, पहला क्वेश्चन ये याद रखने। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होते थे? देश के प्रधानमंत्री। ओके, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा, योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया है, यानी योजना आयोग का नाम अब क्या है? तो अब क्या है योजना आयोग का नाम? नीति आयोग। तो अगर पूछे कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, तो योजना आयोग, या योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो नीति आयोग। योजना आयोग का नाम नीति आयोग किसने करवाया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और नाम ये चेंज कब हुआ? तो 2014 में, ठीक है? 1950 में जो योजना आयोग बना था, मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया? नीति आयोग। ओके, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष भी तो देश के प्रधानमंत्री है, अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे भी, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष वही होंगे। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब कई बच्चे ये सोचते हैं पता नहीं नीति आयोग कब बना था। नीति आयोग बना था 2014 में, और 2014 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भी कौन है, क्योंकि इनके अध्यक्ष होते कौन है? प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी सेकेंड टाइम पे पीएम बने हैं, तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष भी कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, जितना यहां से क्वेश्चन बन सकता था मैंने सारा बता दिया। हर एक चीज आपके नोट्स में नोट होनी चाहिए, और वीडियो को मैक्सिमम आपने शेयर करना है, ठीक है? आज की वीडियो का टारगेट है कि 1000 व्यू इस पे आने चाहिए। कल की वीडियो अपलोड करने से पहले पहले इस पे 1000 व्यू आने चाहिए। मेरे वीडियो पर अब तक टोटल 600 व्यू आ रहे हैं, ठीक है? जो वीडियो मैं आज अपलोड करती हूँ कल शाम तक 600 व्यू हो जाते हैं, लेकिन इस वीडियो का टारगेट है कि 1000 व्यू आने चाहिए, ठीक है? ये अब आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझे बोलते हो मैडम ये टॉपिक कराइए, ऐसे एक्सप्लेन करिए, मैं सारा कुछ वैसे कर रही हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी है 1000 व्यू इस वीडियो पे आने चाहिए, आप चाहे कैसे ही करो। ओके, ये मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोम कौन सी नदी के किनारे है? सबसे पहले रोम किसकी राजधानी है? तो रोम किसकी राजधानी है? इटली की, इटली की राजधानी है रोम। कौन सी नदी के किनारे है? यहां से तीन क्वेश्चन बताऊंगी, तीनों याद रखने हैं। रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। ओके, उसके बाद इंग्लैंड की राजधानी लंदन कौन सी नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। तीन राजधानियां बताई है, तीन नदियां बताई है, सारा याद रखना। ओके, किस किस की? फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन थेम्स नदी के किनारे है, इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसका नाम पूछा गया है, तो उसका आंसर क्या आएगा? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। ओके, और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में जो लाइन है वो कौन सी है? मैकमोहन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? तो ये एक टैगलाइन से क्वेश्चन है, कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, एसबीआई की टैगलाइन क्या है? सबसे पहले तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी भी? 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में।
और एसबीआई की टैगलाइन क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ये किसकी टैगलाइन है, एसबीआई की। जिन स्टूडेंट्स ने भी नीचे कमेंट किया है, अंकुर शर्मा और कई बच्चे होते हैं, सुरभि सुरभि, अंकुर शर्मा और बहुत सारे बच्चे हैं जो नीचे कमेंट करते हैं और रेगुलर वीडियो सुनते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे कमेंट करते हैं, अंकुर शर्मा बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, आप जरूर जॉब लगोगे, जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी। सुरभि सुरभि, अंकुर शर्मा, सुनीता पूनिया, जितने भी बच्चे हैं उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। हाँ जी, सेंट्रल टू यू सिंस 1911, ये किसकी टैगलाइन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में ही है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू बैंक विथ। तीनों टैगलाइन आपको याद होनी चाहिए और तीनों हेडक्वार्टर भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया है, आपको याद रखना है। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो 711 और 712 एडी का मतलब होता है ईस्वी एडी में भारत में आया, उसका नाम क्या था। आपने ये बताना है भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, कब, 711 और 712 में। अब मैंने 711 क्यों लिखा है, क्योंकि कई बुक्स में लिखा हुआ है और कई में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए डिटेल। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे 711 ईस्वी में आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहा, इसलिए उसका जिक्र बहुत कम होता है। और जिक्र किसका होता है, जब उसने आक्रमण कब किया था, 712। 712 में जब उसने आक्रमण किया था तो वो सफल रहा, इसलिए ये माना जाता है कि कई बुक्स में लिखा होता है कि भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो 712 में हुआ था। ठीक है, तो मैंने दोनों डेट ले ली, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछे असफल आक्रमण कब हुआ था पहला, तो 711 में, और सफल कब हुआ था, तो 712 में, और किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। तराइन कहाँ पर पड़ता है, तो हरियाणा में, करनाल में पड़ता है। मैं भी हरियाणा से हूँ और हरियाणा में करनाल जो हमारा जिला है उसके अंदर पड़ता है तराइन। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में। ठीक है, और तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये आप लोग नीचे मुझे कमेंट करोगे कि तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो आपके लिए एक ही क्वेश्चन है, आपने कमेंट करना है तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था। ठीक है, तो वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है कि इस पे 1000 व्यू आने चाहिए कल की वीडियो अपलोड होने से पहले। अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में चैनल को शेयर करना। और एक बात और भी, अगर नोटिफिकेशन ना भी मिले तो डेली वीडियो अपलोड होती है, जो टाइम आपको बताया गया है, क्या क्या टाइम है, रीजनिंग की वीडियो का 2 बजे, दोपहर 2 बजे, मैथ का 3:30 बजे, और उसके बाद जीके की वीडियो रात को 8 बजे। इन तीनों टाइम पर आप आकर चैनल पे वीडियो देख सकते हो, चाहे नोटिफिकेशन जाए या ना जाए। ओके, थैंक यू।